सब्सक्राइब कीजिए स्मार्टफोन की चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में मैं आपका करता हूँ दोस्तों स्वागत। दोस्तों अभी की वीडियो में जानने वाले हैं कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन में अपने आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। आप यदि इस वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आप नहीं जान पाओगे कि आधार कार्ड को अपने स्मार्टफोन में कैसे डाउनलोड करते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, गूगल प्ले स्टोर में जाना है और मोजिला ब्राउजर को डाउनलोड करना है। इसी ऐप के जरिए आप अपने आधार कार्ड को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों मैंने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है, तो इस ऐप को ओपन कर लेते हैं बिना देरी करते हुए। ऐप के ओपन हो जाने के बाद आपको गूगल पे जाना है और टाइप करना है www.uidai.gov.in। वेबसाइट को टाइप कर देने के बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना होगा और आप पहुंच जाएंगे आधार की ऑफिशियली वेबसाइट पर। इस पेज को जरा ओपन हो जाने दीजिए। अब करना क्या है, इस पेज को जरा स्क्रॉल डाउन करना है और आपको जरा जूम करके दिखा देता हूं। यहां आपको डाउनलोड आधार दिख रहा होगा, यहां आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप डाउनलोड आधार पे क्लिक करोगे उसके बाद एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। कुछ सेकंड में वो पेज ओपन हो जाएगा। उससे पहले आपको एक बात बतानी बहुत जरूरी है। जैसे ही आप अपने आधार का पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लोगे और जैसे ही आप पीडीएफ फाइल को ओपन करोगे तो वहां आपको पासवर्ड की जरूरत होगी। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोट, द न्यू ई आधार लेटर पीडीएफ पासवर्ड विल बी ऑफ 8 कैरेक्टर। मतलब कि यदि आपके शुरू के नेम के 4 अक्षर और उसके बाद जो है आपको अपनी ईयर ऑफ बर्थ उसके बाद डालनी होगी। यानी कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, यदि आपका नेम साई कुमार है और ईयर ऑफ बर्थ 1990 है तो इसका पासवर्ड होगा साई के 1990। एग्जाम्पल के लिए एक और नाम ले लेते हैं, रिया, और ईयर ऑफ बर्थ है 1990, तो इसका पासवर्ड होगा रिया 1990। चलिए अब आगे बढ़ते हैं या क्रॉस पे क्लिक कर देते हैं। यदि आपके पास अपनी एनरोलमेंट आईडी है तो वो डालकर आप अपने आधार का पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल जो है मैं आपको समझाऊंगा, यदि आपके पास आधार नंबर है तो कैसे आप अपना आधार नंबर डालकर अपने आधार का पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो, वो भी अपने फोन में। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको जो है 12 डिजिट का अपना आधार नंबर डाल देना होगा। 12 डिजिट के आधार नंबर को डाल देने के बाद आपको अपना फुल नेम डालना है जो आपके आधार पे है। अपना नेम डाल देने के बाद आपको जो है पिन कोड डालना है। पिन कोड डाल देने के बाद जो है आपको 5 डिजिट कैप्चा कोड डालना है। जो बराबर में इमेज में कोड दिख रहा है वही आपको यहां डालना होगा। 5 डिजिट कैप्चा कोड डाल देने के बाद जो है यहाँ आपको रिक्वेस्ट ओटीपी दिख रहा होगा, यहाँ आपको क्लिक कर देना होगा। आपने अपना आधार बनाते टाइम जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उस पर 1 टाइम पासवर्ड आएगा, यानी कि 6 डिजिट का एक नंबर आएगा, वो आपको यहाँ डालना होता है। जैसे ही आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे 1 टाइम पासवर्ड यानी कि 6 डिजिट का नंबर आ जाए, वो आपको डाल देने के बाद डाउनलोड आधार पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड आधार पे क्लिक कर देंगे तो आपका आधार का पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही आप अपनी पीडीएफ फाइल को ओपन करेंगे तो आपसे वो पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड क्या होगा, आपके शुरू के नेम के 4 लेटर्स आपको डालना है और साथ में आपको ईयर ऑफ बर्थ डाल देना है। डाल देने के बाद सीधा आपकी जो पीडीएफ फाइल है वो ओपन हो जाएगी। इसके बाद आप अपने आधार का प्रिंट निकालकर जहां आपको इस्तेमाल करना है वहां आप अपने आधार का इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा है दोस्तों अभी की वीडियो पसंद तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, और अभी तक आपने स्मार्टफोन की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।